बीजेपी को लगा है बड़ा तगड़ा झटका। बीते कई महीनों कई दिनों से आपको देखने को मिल रहा होगा कि भाजपा लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस के लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी के एमएलए सांसद विधायक मंत्री सभी के सभी पलटवार करते जा रहे हैं। देखने को मिल रहा है कि सबसे ज्यादा देखा जा रहा है तो भाजपा में कांग्रेस के लोग शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस के लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। बहुत बड़ा पलटवार यहां पे चल रहा है। लेकिन कुछ ही महीनों में प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव होने हैं उसको लेकर गहमागहमी बहुत तेज चलने वाली है। तो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे विजयपुर में 12 नए चेहरे भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और उन्हें गमछे पहनाकर दिलाई गई सदस्यता। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा नए चेहरे शामिल होने में अभी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो वो कांग्रेस में देखने को मिल रहा है और अभी बीजेपी में नए चेहरे शामिल हो चुके हैं, वो भी बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में 12 नए चेहरे यानी 12 नेता शामिल हो गए हैं। तो बड़ी संख्या में इस महीने में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो बीजेपी छोड़ कांग्रेस में और कांग्रेस छोड़ बीजेपी में लोग बहुत ज़्यादा शामिल होते जा रहे हैं। जबकि प्रदेश में बहुत जल्द चुनाव होने को लेकर यहाँ पे बड़ी बात कही जा रही है और उसमें भी लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे सियासी माहौल गरमाए हुए हैं और इधर से उधर पार्टियाँ पलट रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखा जा रहा है तो बीजेपी के छोड़ कांग्रेस में लोग शामिल हो रहे हैं। तो इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अगले न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।